हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो? हमारे ख्याल से अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप लोग हमारे नए ब्लॉग में बने रहिएगा आखिरी तक और पूरा देखना। और जिन लोगों ने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, वो लोग हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। और ये जो है, कल हम बाबू कुर्सी खींच रहे हैं तो आवाज़ आ रही है कुर्सी खींचने की। और जब हम वीडियो बनाते हैं अक्सर करके ये तभी कुछ न कुछ करते हैं और जो है खुद सामने आए वीडियो में। ये देखिए आ गए हैं, कुर्सी खींच कर लाए, उस पर खड़े हुए हैं और फिर हम जो है इनको दिखाएं। देखो इधर हैं और ये बिटिया देखिए क्या कर रही है। ये जो थी अभी साड़ी पहन रही थी, मेरी जो शॉल थी उसकी और स्टॉल है उस दोनों चीज़ों से मेरे दोनों चीज़ों से साड़ी पहन रही थी। इनको साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। और तो कल हम लाइव नहीं आ पाए थे तो क्योंकि हम कल गए थे दावत में, अपनी वो मतलब फुफुआ सास थी उनकी बिटिया का जो कल जन्मदिन था 20 जनवरी को, तो मैं वहाँ गए थे कल, तो उसके लिए सॉरी हम नहीं लाइव आ पाए हैं। तो अभी आज आएंगे लाइव, ठीक है। और जो है अब डेली आते रहेंगे लाइव। और जिन लोगों ने हमारा वेट किया है उसके लिए सॉरी। और ये देखिए पूरी कल में ठंडी में गया और जो मैं बाइक से गया था, यहाँ से ऑटो में गए थे और फिर आगे बाइक से गए थे, तो मेरे आंखों में हवा लगी है, मेरे आंखें जो हैं दोनों लाल लग रही हैं, दर्द हो रहे हैं। और फिर शाम को हम 8 बजे रात को फिर हम आए वहाँ से, क्योंकि आपके भैया को जाना था ड्यूटी सुबह, तो इस वजह से हम वहाँ पे नहीं रुके थे। और जो है वहाँ अब कहते हैं जहाँ रहने लग जाओ वहाँ का वैसे ही माहौल हो जाता है, वहाँ हमको बहुत ठंडी लग रही थी और जबकि हम कपड़े भी पहने हुए थे, तो इस वजह से हम वहाँ से चले आए। और बाबू बच्चे भी ठंडी उनको भी लग रही थी, बच्चों को भी, और वो खेल रहे थे वहाँ, तो इसी वजह से आ गए। आपको तो पता ही है आपके भैया सुबह 9 बजे चले जाते हैं ड्यूटी, तो उनको खाना आना बनाना पड़ता है, दूसरे के घर पे इतना एडजस्ट नहीं हो पाता है। और जो है जैसा भी है अपने घर पे, मतलब जो भी है जैसा भी है अपने घर पे आके आराम मिलता है। और फ्रेंड और जो है आज 3 दिन हो गए हैं, बिल्कुल ही धूप नहीं निकली है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो आज कोहरा अभी भी पड़ रहा है, तो अभी भी नहीं धूप निकली है। तो फ्रेंड आप लोग हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को है जहाँ से जहाँ हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार में जहाँ भी हो सके वहाँ हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग हैं जो हमें सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है भैया, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, टाइम बर्बाद होता है, टाइम भी लगता है और ऐसे ही नई वीडियो बन जाती हैं। और जो आप लोग हैं आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो हमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और आज मैंने खाने में बनाया है आलू चावल
और बिटिया को है हमारे आलू चावल, दाल चावल ज़्यादा पसंद है तो उनके आज बनाए हुए हैं आलू चावल, हम खाएंगे। और जो है बिटिया भी खाएंगे और हम भी खाएंगे, सब लोग आज आलू चावल की दावत है, आलू चावल खाएंगे। और देखिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं आँखों की वजह से, हम आपको सामने हम जैसे देखते हैं वैसे मेरी आंखें और दर्द होती हैं और आंखें मेरे आंसू ऐसे निकलने लगे हैं तो आपको दिख रहा होगा, तो इसी वजह से ये आप लोग जानो समझो कि कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। अब मेरे आँखें हैं जो खुल नहीं रही हैं, ज़बरदस्ती खोल रहे हैं हम। अभी दिखाते हैं बिटिया और लल्ला क्या करते हैं, ठीक है। ये बाबू यहाँ देखिए कुर्सी कहाँ रखी थी, ये देखिए कुर्सी कहाँ रखी थी, उधर रखी थी, उधर से इधर रख दी यहाँ के, ये देखिए आप चुपके से देखना, ठीक है क्या कर रहे हैं। देखिए ये मेरी शॉल उठा के ले आए थे, शॉल है इसके नीचे अपने ये लपेट रही थी, वो जो वो हरी हरी रखी है स्टॉल उससे जो है अपने ऊपर ओढ़ रही थी और जो है चेहरा झांक रही थी। अभी जो है दरिया के रखे हैं, बाबू क्या कर रहे हैं, बाबू मेरी दूसरी स्टॉल नहीं निकलवाई है तो उसका बाबू बनाते हैं फिर खिलाते हैं। ये देखिए कैसे गंदे कर रहे हैं, ये देखिए बहुत परेशान करता है लड़का, इतना परेशान करता है, इतना कोई बच्चा नहीं परेशान करता है। पकड़ो नहीं गंदी हो जाएगी, तो तब तक के लिए वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।